आगरा वार्ड नंबर 16 से बसपा ने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, आंकड़ों में बसपा की रजनी देवी की जीत की दर्ज की खबर मिल रही है। जीत दर्ज कर ली है रजनी देवी ने वार्ड नंबर 16 से बसपा से, ये अच्छी खबर। आगरा में वार्ड नंबर 16 से बड़ी अपडेट, जीत हासिल करने की खबर है बीएसपी उम्मीदवार के वार्ड नंबर 16 से आगरा नगर निगम में। आगरा में वैसे भी बीएसपी आगे चल रही है, लेकिन अब यहां पर जो रिजल्ट आया है वार्ड नंबर 2 में गोपालपुरा से भी बसपा की जीत की खबर है। बड़ी खबर है ये राजेंद्र, वार्ड दर वार्ड जीत मिलकर के ही निगम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 2 बड़ी वार्ड से खबर मिल रही है। देखिए मथुरा वृंदावन नगर निगम से भी बीजेपी के आगे बढ़ने की खबर आ रही है। बड़ी अपडेट आपको देते चले, मथुरा वृंदावन नगर निगम सीट पर रुझान सामने आया है, बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। राजेंद्र बिल्कुल, बीजेपी आगे है। मथुरा सीट वैसे भाजपा के पास थी, सिर्फ 41 वोट से आगे है भाजपा प्रत्याशी, मार्जिन बहुत कम, सिर्फ 41 वोट का मार्जिन है। बीजेपी आगे तो जरूर है, लेकिन मात्र 41 वोट से। हम मथुरा नगर निगम की बात कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन नगर निगम में भी बीजेपी आगे, लेकिन आंकड़े बहुत कम, 41 वोट का फासला सिर्फ। बिल्कुल, मथुरा वृंदावन नगर निगम के रुझान की बात करें, बीजेपी के आगे बढ़ने की खबर है, लेकिन जो ये बढ़त है सिर्फ 41 वोटों की है। अब ये आंकड़े बड़ी तेजी से बदल सकते हैं, निगाहें टिकानी होंगी इस वाली नगर निगम पर भी राजेंद्र, क्योंकि सिर्फ 41 मार्जिन है। बिल्कुल, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कौन सा दल है देखना होगा। भाजपा नंबर 1 पर है और यहाँ दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। शाहजहांपुर में भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, कानपुर में भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही है। आगरा में बसपा का शानदार प्रदर्शन जारी है, वहां पर 2 वार्ड्स में उनके उम्मीदवारों के जीतने की खबर है और उनका उम्मीदवार मेयर सीट पर भी आगे। ये देखिए आप नगर निकाय युद्ध में अमरोहा की बात करेंगे हम। बिल्कुल राजेंद्र, चलिए दर्शकों को अब वार्ड दर वार्ड जिस तरीके की जीत की खबर आ रही है, 2 और 16 वार्ड बसपा प्रत्याशी अगर जीतते हैं, अब अमरोहा से जो डिटेल्स आ रही है वो भी अब दर्शकों के सामने रखेंगे राजेंद्र। और अमरोहा की डिटेल से दर्शकों के साफ समझ में आएगा, नगर पालिका अध्यक्ष में अमरोहा बीजेपी, हसनपुर बीजेपी, धनौरा बसपा और बछराऊ में बीजेपी, गजरौला में बसपा। नगर पंचायतों की बात कर लेते हैं, जोया नगर पंचायत में बसपा के उम्मीदवार आगे हैं, उजारी में भी बसपा आगे है, नौगावा सादात में भाजपा आगे है और सद नगली में भाजपा आगे है। नगर पंचायत में 2 सीटों पर भाजपा आगे है और 2 सीटों पर बसपा आगे है। बहुत दिलचस्प मुकाबला अमरोहा में। अगर नगर पंचायतों की बात करें, बसपा कड़ी टक्कर दे रही है यहाँ पर भाजपा को। बिल्कुल, नगर पालिका अध्यक्ष। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, आगरा मेयर सीट से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों के सामने रखे, बसपा की बहुत बड़ी बढ़त बताई जा रही है। आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, काफी बड़ी बढ़त के साथ बसपा आगे चल रही है। 60,000 वोटों से हाथी आगे, माफ कीजिएगा, 7,000 वोटर से आगे चल रही है बसपा, जो कि बड़ा आंकड़ा है। मेयर सीट पर वंदना वाल्मीकि, वहां पर उम्मीदवार है बीएसपी की और वो आगे है 7,000 वोटों से। क्षमा करें, लता वाल्मीकि बीएसपी की प्रत्याशी है, लता वाल्मीकि 7,000 वोटों से बड़ी बढ़त, बहुत कंफर्टेबल ये मार्जिन दिखाई देता है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या आते हैं, लेकिन 7,000 वोटों की बढ़त, एक बड़ी बढ़त बसपा के पास। बहुत बड़ी खबर है, हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, जरा बताएं और समझाएं कि लता वाल्मीकि के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल, लता वाल्मीकि और जिस तरह से ये पूरा जो इलेक्शन कहीं ना कहीं बीएसपी ये लग रहा था अंदर करेंट है बहुजन समाज पार्टी के वोटर में, और ये देखने को मिल रहा है 3 वार्ड बीएसपी जीते गए हैं। इसके साथ ही जो मेयर कैंडिडेट लता वाल्मीकि वो भी करीब जो अभी तक कैंडिडेट फिगर जो मिल रहा है करीब 4,000 वोटों से वो आगे चल रही है। वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 16 से बीएसपी के प्रत्याशी जीत गए। कुल मिला के जिस तरह से ये दिखा रहा था कि इस बार बीजेपी को बीएसपी कड़ी चुनौती की सरकार में दी है, तो कुल मिला के ये बहुत ही कहा जाए इस तरह के नतीजे बीजेपी को मुझे बड़ा झटका के कहा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये झटका कहा जा सकता है, फिलहाल अभी तो कहा ही जा सकता है। नितिन बहुत धन्यवाद आपका। 7,000 वोटों से बीएसपी की प्रत्याशी लता वाल्मीकि आगरा में आगे हैं, वार्ड मेंबर भी बीएसपी के जीते हैं आगरा में। अलीगढ़ से इसी बीच में अपडेट मिल रही है, अलीगढ़ में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ की सीट पिछली बार बसपा के पास थी, इस बार मेयर सीट पर भाजपा के प्रशांत आगे हैं और प्रशांत सिंघल आगे हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर अलीगढ़ में। भाजपा 1 नंबर पर अलीगढ़ में और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। अमेठी के आंकड़े हमारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल अमेठी के आंकड़े को हम रखते हैं जल्दी से दर्शकों के सामने। अमेठी के जो आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए किसकी पालिका देखिए तो जायस को देखें आप, यहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। नगर पंचायतों का जिक्र करें,
अन्य 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 यहाँ पर मतलब निर्दलीय मुसाफिरखाना में और अमेठी में जो नगर पंचायतें हैं, अमेठी की यहाँ पर अन्य आगे बताए जा रहे हैं। यहाँ पर दलगत प्रत्याशी आगे नहीं है, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं जायस और गौरीगंज में। एक ऐसा डेटा था जिसमें बीजेपी नहीं दिखाई दी थी। आइए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बीजेपी से गाजियाबाद से खोड़ा सीट से बीजेपी की रीना भाटी के आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका का हम जिक्र करें, बीजेपी की बढ़त की खबर मिल रही है राजीव। बिल्कुल, भाजपा आगे है खोड़ा सीट पर, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए रीना भाटी आगे चल रही है गाजियाबाद में। नगर पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में यहाँ पर रीना भाटी आगे हैं। और ये देखिए एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, अमेठी से मुजफ्फरखाना नगर पंचायत से निर्दलीय आगे हैं। हमने आपको बताया जो दोनों नगर पंचायतें हैं वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं, दलों के प्रत्याशी आगे नहीं है नगर पंचायतों में। बिल्कुल, और निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज है, 190 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।